जो सैफाली खान गिटार पकड़ के खड़ा हुआ है, इसका राजनिवास से क्या ताल्लुक है? मतलब गाने के साथ राजनिवास पान मसाला का क्या ताल्लुक? मतलब खाते ही क्या सिंगिंग करना चालू हो जाएगा कि खाते ही सुर अंदर आना चालू हो जाएगा? Hey guys, good morning. आप सबको स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। अभी सुबह के, सुबह तो बिल्कुल नहीं है, 11:30 के आसपास टाइम है। यहाँ पे गाना बज रहा था, गाना चल लेते थे। मैं चलता हूँ थोड़ा सा बाहर, बाहर धूप काफ़ी तेज़ है, देखो काफ़ी बढ़िया धूप है। ये बकरी को देखो यहाँ पे मस्त खेल रहा है। हमारे बिल्लू जी आज भी घर में बैठे हुए हैं, कल से ही उनका तबीयत शायद सही नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि आज भी सुबह को वहीं पे बैठे हुए थे जहाँ पे सोफे में बैठे रहे थे, कल भी वहीं पे थे रात से, तबीयत शायद ठीक नहीं है। चलो एक बार गार्डन से घूम के आते हैं। गार्डन का क्या हालत है? गार्डन का भी सब कुछ सही है, सब ठीक ठाक ही लग रहा है। टाइम भी 11:30 से ऊपर हो चुका है, तो थोड़ी देर बाद हम लोग निकलने वाले बाहर, जैसे घूमने निकलते हैं ना। और आज वैसे भी सैटरडे है, कुछ काम उतना ज़्यादा है नहीं, निकलने तो वाले हैं। यहाँ पे लास्ट दिन में गिर गया था थोड़ा सा, मतलब गिरा नहीं था, स्लिप करके नीचे खड़ा हो गया था। उतना ज़्यादा ऊँचा जगह नहीं है ना, और बैलेंस आ गया था इसलिए, नहीं तो गिरता तो थोड़ा बहुत चोट लगने वाला था। उतना कुछ हुआ नहीं था उस दिन। आज तो पेड़ में वैसे कुछ फंसा नहीं है, तो आज कुछ कोशिश भी नहीं करेंगे, अंदर ही चलता हूँ। खाली पैर आया हूँ मैं, पैर गंदा होगा तो मम्मी चिल्लाएगी, उससे बेहतर है अंदर चलते हैं जहाँ पे गंदगी नहीं है, वहाँ पे चलते हैं कैफ़े में बैठते हैं थोड़ी देर, उसके बाद निकलें। हूँ गाइस घूमने, थोड़ा सा काम भी है, एक बार चंदन गांव के पास में जाना पड़ेगा। भीड़ तो वैसे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन धूप भी काफ़ी तेज़ है, इतना तेज़ धूप सुबह के टाइम पे बहुत तेज़ लग रहा है, शाम के टाइम पे वैसे सही हो जा रहा है। हवा भी थोड़ा बहुत चल रहा है तो वैसे सही है। मैं सुबह चल रहा हूँ अभी चंदन गांव के पास में, जाके पहले काम करवाते हैं, उसके बाद थोड़ा सा घूमते हुए चलेंगे। कुछ प्लानिंग नहीं है, पहला प्लानिंग ये है कि चंदन गांव के पास में जाना है। आज बाज़ार में, और आज काफ़ी खाली सा लग रहा है, इधर नहीं उधर वाला खाली लग रहा है। इतना खाली नहीं है, आज सैटरडे है और गर्मी थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए होगा। कल संडे को असली मज़ा आएगा, इसका 2x-3x लोग रहेंगे। हम लोग तो वैसे कुछ तो लेने के लिए आए हैं, सुबह को बताएं कुछ सामान लेना है, अगर कुछ बढ़िया दिख गया तो, अगर नहीं दिखा तो कुछ नहीं लेंगे, घूम के चले जाएंगे। एक्चुअली क्या, चंदन गांव के पास में लिंक नहीं है, बैंक का सर्वर काम नहीं कर रहा, इसीलिए थोड़ा सा इधर आ रहे थे, सोचा कि एक बार बाज़ार से भी घूम लेते हैं। ऐसा कुछ काम नहीं है, मैं कुछ दिख गया तो ले लेंगे, ऐसा ही कुछ प्लानिंग है, अभी देख लेते हैं। इस साइड में बहुत कुछ दिखता है, बहुत सारा चीज़ें दिखता है। इंग्लिश स्कूल के पास में भी आया था, इलाका जितना खराब है यहाँ पे, तो SBI ATM वैसे कभी सही नहीं रहता है, जो कस्टमर सर्विस मतलब CDM जो है वो आज भी सही नहीं है। बैंकिंग आवर्स में भी आजकल सही नहीं रह रहा है, पहले तो बैंकिंग आवर्स में सही रहता था, आने का कुछ फ़ायदा वैसे बना नहीं, लेकिन थोड़ा सा घूमना हो गया ये भी है। बहुत दिनों से, मतलब कम से कम 2-3 महीने से तो मुझे याद है, उससे पहले से ही बंद है। और पहले क्या होता था कि जब बैंकिंग आवर्स होता तब सही रहता था, बैंकिंग आवर्स के बाद ख़राब हो जाता था, अभी तो बैंकिंग आवर्स में भी ख़राब है। अभी अलग ही मतलब खेल चल रहा है। तो चलो अभी आगे हम लोग चलेंगे सीधा घर की तरफ, और जाते हुए एक बार चंदन गांव से मिल के चलेंगे। अभी तक शायद लिंक आ गया होगा, अगर नहीं आएगा तो थोड़ा सा रुक लेंगे और इंतज़ार कर लेंगे, लेकिन काम करके जाके जाना है, काम ज़रूर ख़त्म करना है, बिना काम किए घर नहीं जा सकते, थोड़ा सा ज़रूरी है। कस्टमर सर्विस पॉइंट में आज के दिन का आखिरी काम, मतलब सुबह का इस टाइम, इसके बाद घर चलना है। तो ये देख लो, अपोजिट साइड से भी देख लो, सुबह अंदर काम कर रहे हैं, मेरे जाके कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे ही अंदर बहुत सारे लोग हैं, बाहर भी लोग कर रहे हैं, देखो देख रहे हो उधर भी। तो अभी पता नहीं है, शायद अभी तक लिंक आया नहीं है, उधर तो दिखा नहीं था लिंक। मैं एक बार इलाहाबाद बैंक के पास में भी गया था, वहाँ पे भी लिंक था नहीं, मैं उसको तो दोनों ही गया था, और यहाँ पे भी शायद मेरे ख्याल से लिंक है, तो टाइम लगेगा थोड़ा सा आने में, अगर हो गया तो बढ़िया है। काम करके जाते तो थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि वो ज़रूरी था, अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, लिंक नहीं आएगा तो हम खुद से तो कर नहीं सकते ना, हो जाएगा तो फिर चलेंगे। और ये लस्सी भी लिया घर लेके जाने के लिए, मम्मी चाचिया बोल रही थी सुबह को, तो ले लिया इसलिए। अभी यहाँ पे काम जितना जल्दी खत्म होगा उतना जल्दी घर जा सकेंगे, नहीं हुआ तो थोड़ी देर रुकना पड़ेगा। समझाओगे इस ऐड का मतलब, ये जो सैफाली खान गिटार पकड़ के खड़ा हुआ है, इसका राजनिवास से क्या ताल्लुक है? मतलब गाने के साथ राजनिवास पान मसाला का क्या ताल्लुक? मतलब खाते ही क्या सिंगिंग करना चालू हो जाएगा कि खाते ही सुर अंदर आना चालू हो जाएगा? मुझे पता नहीं चला, लेकिन कुछ ऐड ऐसा है कि राजनिवास खाते ही गाना करना चालू कर दोगे, अरिजीत सिंह जैसा बन जाओ, ऐसा ही कुछ ऐड दिया हुआ, कुछ अचानक से दिख गया। चलो काम वाम हो गया हमारा, किधर? हाँ एक टू बम तक पैकेट टा बोलो। तो चलो अभी घर जाना है, घर जाके नहाना भी है बहुत। तो हो गया जाए अनगोड़ा, इसका हो जाता है हमेशा, मेरा नहीं, मैं तो उठा ही 10:30-11 को, कब नहाए, डबल फ्लोर हो गया, देखो बढ़िया। हमारा घर तो बहुत दिन पहले हो गया था, अभी घर चलते हैं, और काम तो वैसा हुआ नहीं, मेन जो काम करने के लिए निकले थे घर से वो चंदन गांव के पास जाना, वो अभी तक लिंक नहीं है, तो वो हुआ नहीं, बाकी सब कुछ हो गए। आ चुका है गाइस फ्लिपकार्ट का पार्सल, आज उतर गया ना, लास्ट टाइम डेली था, इस टाइम नहीं है, तो मुझे लेना पड़ेगा। चलो उधर इस गेट से लेंगे,
इधर डायरेक्ट मिल जाता है ना जगह से, देखो यहीं आसपास में होगा कहीं। वो गाड़ी घुमा रहा है, फ्लिपकार्ट वाला गाड़ी, वो आगे थोड़ा सा आगे ही चला गया। नया नया शायद एम्प्लॉय आया है, क्योंकि पुराने सारे तो हमारे घर पहचानते हैं, बहुत सारा ऑर्डर आता रहता है ना, दी ऑर्डर करता रहता है, पहचानते हैं, ये नए नए सारे होंगे। चलो हम लोग यहाँ से ले लेंगे, बहुत मस्त जगह है, आ चुका है, लेते हैं। इस बार बेबी नहीं है, लास्ट टाइम बेबी ने लिया था सब कुछ सामान, बताने के बाद भी समझ नहीं आता। देखो आगे चला गया, कितना आगे वो भी। मैंने बताया कि पास में एक मैरिज हॉल है, उसके पास में एक गार्डन है, उसके साथ एक घर है दो माले का, फिर भी वहाँ पे चला गया। अभी कैसे समझाओ, रुक जाओ कॉल करने देते, वो लोग कॉल, मैं कॉल कर रहा हूँ तो बिजी आ रहे, वो लोग भी मुझे ट्राई कर रहे हैं, अगर कॉल करेंगे तो समझाऊंगा कि पीछे देखो यहाँ पे हूँ मैं, पीछे देखो पीछे। वो आगे चला गया, आ गया पूरा सामान ग्रॉसरी का, बहुत सारा। ये ग्रॉसरी का नहीं है, ये सब खाने के लिए है बस, और वो भी नहीं, बाकी सारा ग्रॉसरी का सामान। ये तो खा जाएगा, ख़त्म कर देंगे। बहुत सारा बिस्किट लग तो लगा रहे, लेकिन मेरे पास रहता है ख़त्म हो जाता है बिस्किट। और ये तो वेफर्स है, सुपूदा ने लाया है, वे भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन तीन टे स्ट्रॉबेरी दे दीजिएगा नहीं ना, दो चॉकलेट दो स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ना तो गाइस अभी तक हुआ नहीं है मेरा, वैसे कि ढाई बज रहा है, लेकिन नहाना जल्दी है, थोड़ी जल्दी नहाना है। लेकिन उससे भी बड़ा चीज़ ये है कि आज खिचड़ी बनाए, जो कि मेरा फेवरेट है। आज सैटरडे है और काफ़ी दिनों के बाद खिचड़ी का, शायद एक महीने के आसपास हो गया होगा टाइम। बाहर का हालत थोड़ा सा देखा क्या है, बाहर धूप तो काफ़ी तेज़ है, काफ़ी तेज़ है। बाहर निकलने का अभी सोचा भी नहीं है, छत पे भी नहीं जाऊँगा, अभी खाना खा ख़त्म करता हूँ जल्दी, उसके बाद नहाने चलूँगा। आप उठ नहीं है तो मैं तब तक यहाँ पर बैठता हूँ खिचड़ी लेके। नीम तो नहीं है घर में, आज मैं और मम्मी बस। तो मम्मी अभी पापड़ भरने गई है, मतलब पापड़ जो होता है ना, पापड़ तो सबको पता, पापड़ फ्राई करने गई है, उसके बाद खाना स्टार्ट करेंगे। खिचड़ी ये मेरा फेवरेट डिश है, फेवरेट। कहीं पे भी खिचड़ी होता है, कभी भी होता है, मैं खा लेता हूँ, मुझे काफ़ी मज़ेदार लगता है। धूप आज बहुत तेज़ है गाइस, मेरा नहाना भी हो गया है अभी जस्ट, और टाइम हो रहा है 4। कहीं पे तो गाना बज रहा है, सुनाई दे रहा है, और वो वाला ही गाना बज रहा है जो मैं थोड़ी देर पहले बजा रहा था फ़ोन में, वही वाला बज रहा है। रब्बा मेरे मैनू बचा, ज़रा सा झूम लूँ मैं, वही बज रहा है। कहाँ पे बज रहा है यहाँ से दिख नहीं रहा है, लेकिन आसपास में किसी के घर में तो कुछ प्रोग्राम है शायद, इसीलिए बज रहा है। धूप थोड़ा सा ज़्यादा है, मैं यहाँ पे नहीं रुकूँगा, अभी मैं नहाया, मेरा बाल जो है मुझे लग रहा है कि 2-3 मिनट रुकने से ये सूख जाएगा, इतना ज़्यादा तेज़ धूप है। मैं तो चश्मा भी नहीं पहना, मैं सीधा नीचे से नहा के ऊपर आया हूँ डायरेक्ट, चश्मा भी घर में रखा हुआ है। मैं 5 मिनट रुकता हूँ जब तक ये बाल ना सूख जाते, उसके बाद नीचे चलूँगा। धूप थोड़ा सा तेज़ है आज, इतना धूप में रह नहीं सकूँगा, उसके बाद में आएंगे, कपड़े भी उठाने होंगे, जब अंधेरा होगा उस टाइम पर उठाने होंगे। मैं थोड़ा सा रुक लेता हूँ यहीं पर, नहीं यहाँ पर नहीं, इसमें चलते हैं, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा धूप है। मैं जिस जगह का भी बैठा हूँ ना, यहाँ पे धूप नहीं आ रहा है, उधर चल के थोड़ा सा बैठता हूँ जब तक ना मेरे बाल सूख जाए, थोड़ा सा सूख जाएगा फिर नीचे चलेंगे। बाहर काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया होगा गाइस, क्योंकि टाइम हो रहा है अभी 7:45 के आसपास, तो अंधेरा तो हो गया होगा ज़रूर, डेफिनेटली। यहाँ से तो खिड़की बंद है तो देख नहीं सकता, बाहर चलते हैं और नीचे कैफ़े में भी चलते हैं। आज सैटरडे है, उतना ज़्यादा कस्टमर्स तो होंगे नहीं, लेकिन अगर कल जैसा कस्टमर्स आ जाए तो बहुत ज़्यादा लेट भी हो सकता है, तो उसका कुछ अभी गारंटी नहीं है, कुछ पता भी नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो नीचे चलेंगे, कैफ़े में जाके बैठेंगे तभी पता चलेगा। टूरिस्ट सर का वीडियो भी देखना है, बहुत सारा वीडियो पेंडिंग है, बाकी दिनों से देखा भी नहीं है। कल गया था, कल उतना देखने को टाइम नहीं मिला, क्योंकि कल कम कर रहे थे, काम कर रहे थे, मैं सोचा था कि कल देख लूँगा, लेकिन काम कर रहे थे, तो आज शायद अगर फ्री रहूँगा तो आज देख लेंगे। चलो पहले नीचे तो चलता हूँ, देखते हैं कि माहौल कैसा है वहाँ। क्या हालत हो चुका है, पूरा जो टी शर्ट है ना पसीने से भीग चुका है, इतना ज़्यादा थक गया हूँ, मतलब थका नहीं हूँ, एनर्जी तो अभी भी है, लेकिन बात है कि मैं प्रैक्टिस कर रहा था डांस थोड़ा बहुत मज़े में, ऐसे कुछ कारण नहीं है नॉर्मली, और इसीलिए बहुत ज़्यादा पसीना हो गया बहुत ही ज़्यादा। इसके ऊपर से मैंने एक फुल स्लीव पहना हुआ था, वो तो पूरा भीग गया पानी में, भीगने के बाद ज़्यादा होता ना वैसा हालत हो गया, तो इसलिए खोल दिया मैंने। अभी कैफे तो बंद हो गया, टाइम हो रहा है 8:30 के आसपास। इसी कैफे में तब गया था, काम चल रहा था, उतना ज़्यादा काम नहीं है, मैंने जैसे बोला था सैटरडे है ना छुट्टी रहते हैं, उतना ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, इसीलिए अभी मुझे एडिटिंग भी कंप्लीट करना है, और तो वैसे उतना कुछ काम नहीं है, बैठता हूँ थोड़ी देर, एडिटिंग कंप्लीट करते सब कुछ करता हूँ, और फिलहाल आज के लिए इस ब्लॉग को करते हैं एंड। आई होप वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक करना चाहें, सब्सक्राइब करना। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग।